आप सभी बहरोड विधानसभा क्षेत्रवासियों को युवा भाजपा नेता मोहित यादव की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, ऐसी हमारी कामना है। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आप सभी क्षेत्रवासियों को जसवंत यादव समाज सेवी नासरपुर की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्रीमती मोनिका यादव, सरपंच ग्राम पंचायत राम सिंहपुरा। आप सभी क्षेत्रवासियों को श्रीमती सरोज यादव, सरपंच ग्राम पंचायत कोहरी की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कंवर सिंह यादव, निदेशक महाराजा कॉलेज भगवाड़ी बहरोड। होलिका दहन की कहानी। एक समय की बात है जब धरती पर हिरण्यकश्यप नाम का एक बड़ा ही दुष्ट राक्षस रहा करता था। हिरण्यकश्यप धरती पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान मांगा कि उसे ना कोई दिन में मार सके ना कोई रात को, उसे ना कोई मनुष्य मार सके ना ही कोई जानवर, ना ही कोई देव ना ही कोई दानव उसे, ना ही कोई शस्त्र उसे मार सके और ना ही कोई अस्त्र उसे मार सके, ना ही आसमान में मार सके और ना ही धरती पर। ईश्वर से ऐसा वरदान पाने के बाद अब हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगता है। वरदान प्राप्त करने के बाद जब वह अपने राज्य में वापस लौटा तब उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उसने कहा कि अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। आप सभी क्षेत्रवासियों को समाज सेवी एवं प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र सिंह यादव की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। आप सभी क्षेत्रवासियों को नगरपालिका पार्षद विकास उर्फ मुन्ना की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समृद्धि हमारी कामना है। सब मेरी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे, तभी लोग उसकी पूजा करना प्रारंभ भी कर देते हैं, क्योंकि भय बड़ी चीज है। लेकिन कुछ दिन बाद ही हिरण्यकश्यप को अपने ही महल के कोने से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की ध्वनि सुनाई देती है। हिरण्यकश्यप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि पूरा राज्य उसकी पूजा कर रहा है और उसी के महल में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हिरण्यकश्यप को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है। लेकिन जब वह ध्वनि के पास जाता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका खुद का पुत्र प्रह्लाद ही भगवान विष्णु की पूजा कर रहा होता है। ऐसा देखने के बाद हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हिरण्यकश्यप पहले तो अपने पुत्र प्रह्लाद को समझाने का काफी प्रयास करता है कि वह भगवान विष्णु को छोड़कर उसकी यानी हिरण्यकश्यप की पूजा करें, क्योंकि वो उसका पिता है और भगवान भी। लेकिन प्रह्लाद साफ मना कर देता है। वह कहता है कि पिताजी, पूरे संसार में भगवान श्री हरि से बढ़कर कोई नहीं है। आप सभी क्षेत्रवासियों को कसाना टूरिस्ट सर्विस बहरोड की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार और भाईचारे के इस त्योहार को आपसी प्रेम से मनाएं। प्रोप्राइटर शीशराम कसाना, निवेदक लालाराम कसाना, कांकरा मौसमपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री सालासर इंडियन गैस एजेंसी जागवास रोड बहरोड की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हितेंद्र यादव एडवोकेट, भामासा राजाराम एडवोकेट एवं मुकेश यादव। सब उन्हीं को परमपिता मानते हैं। तभी हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रह्लाद को मार दो। तरह तरह के हथियारों से हमला करते हुए प्रह्लाद पर सैनिकों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद हर बार बच जाते थे। सैनिकों के हमले से प्रह्लाद को जब कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप प्रह्लाद को जहरीले सांपों के बीच छुड़वा देता है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से सांप प्रह्लाद को बिना कुछ किए ही वहां से चुपचाप लौट जाते हैं। यह देखकर हिरण्यकश्यप और आग बबूला हो जाता है। अंत में कोई उपाय न मिलने पर सैनिकों को आदेश देता है कि प्रह्लाद को पागल हाथी के सामने छोड़कर आया जाए। इस दौरान पागल हाथी खुद पर खुद प्रह्लाद को मार देगा, लेकिन जैसे ही प्रह्लाद को पागल हाथी के सामने छोड़ा जाता है वह हाथी ठीक हो जाता है और प्रह्लाद को अपनी सूंड में उठाकर अपनी ही पीठ पर बिठा लेता है। किसी भी तरीके से अपने पुत्र को नहीं मार पाने पर हिरण्यकश्यप उदास होकर अपने कक्ष में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन होलिका आती है और अपने भाई के उदास होने का कारण पूछती है। आप सभी क्षेत्रवासियों को युवा नेता अमित राठ की ओर से होली एवं धुलंडी पारो की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपकी समृद्धि हमारी कामना। बहरोड में इंकलाब होगा, फिर से बदलाव होगा। आप सभी क्षेत्रवासियों को उप प्रधान गजराज यादव की ओर से होली एवं धुलंडी पारू की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे, ऐसी हमारी कामना है। जिस पर हिरण्यकश्यप उसे सारी कहानी बता देता है, तभी होलिका हंसते हुए कहती है, भैया अब बस इतनी सी बात को लेकर चिंतित हो गई। मुझे भगवान ब्रह्मा से एक वस्त्र ऐसा मिला जिसे ओढ़ने के बाद मुझे कोई भी आग जला नहीं सकती। आप मुझे बस आदेश कीजिए कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप काफी प्रसन्न होता है और सैनिकों को चिता का प्रबंध करने का आदेश देता है। अगले ही दिन जब सुबह होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता पर बैठती है, तो कुछ ही देर के बाद जादुई कपड़ा होलिका के ऊपर से हटकर प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ जाता है। उसी दिन से अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में लोग होलिका का त्योहार मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क। बहरोड क्षेत्र में विकास के पर्याय तथा राड क्षेत्र की आवाज पंचायत समिति बहरोड के प्रधान श्रीमती सरोज वस्त्राम यादव की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को रंगों के त्योहार होली और धुलंडी की हार्दिक बधाई सहित शुभकामनाएं। निवेदक वस्त्राम यादव, एडवोकेट एवं कांग्रेस नेता बहरोड। आप सभी क्षेत्रवासियों को भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर नीलम यादव की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी समृद्धि ही हमारी कामना है। निवेदक श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड। आप सभी नगरपालिका क्षेत्रवासियों को ओम यादव पार्षद नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका बहरोड की ओर से होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें।